एवरीवन, कैसे आप सभी? गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का जितना काम था मेरा हो गया, बच्चे लोग को भी डब्बा बना के मैंने दे दी। अभी बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं, तो अभी सोचे चलो ब्लॉग चालू करते। आज शनिवार है और बच्चे लोग को भी जल्दी स्कूल हो छुट्टी हो जाएगी। और चाय अभी तक नहीं बनाई हूँ क्योंकि पूजा नहीं करी मैं, और मम्मी पापा को भी अभी चाय नहीं दी। आज सोचे चलो साथ में चाय पियेंगे, मम्मी पापा के साथ चाय पियेंगे और फिर आप सभी से मिलती हूँ। आइए, चाय पीने के बाद मैं लंच की तैयारी करने लगी। तो मैं दिखाती हूँ मेरी किचन। ये मेरी मिट्टी का किचन है, तो इधर इसमें मैं रखती हूँ आटा, इसमें पापड़ वगैरह है, और नीचे में भी वही है, इसमें चावल का आटा है, इसमें चावल का आटा है, इसमें जो बचा हुआ दाल वगैरह रहता है वो रखती हूँ मैं। और ये है कुछ डब्बे, डब्बे में जो सामान लगता है वो रखती हूँ, मसाला होता है, दाल, चीनी, अचार, ये सब का है बर्नल। और फिर इधर आ जाता है मेरा छोटा सा गैस चूल्हा, इससे मैं दाल पका रही हूँ। अभी भात मेरा पक चुका है। इधर है मिट्टी का कोठी और ये ड्रम है, दोनों में गेहूं है और इसमें लहसुन है। लहसुन ये खेत का है, हमारे खेत का होता है, वो है खाने के लिए रखी हूँ। और फिर आ जाता है ये चूल्हे पे जो खाना पकाते हम लोग, तो मम्मी जी ने पूरा 1 साल का ये जलावन ऐसे स्टोर करके रखते हैं। किचन में ही रखी हूँ जलावन भी। आज मैं बच्चे का पसंद के भाजी बनाऊंगी, तो आप देख सकते हैं ये भरवा भिंडी बनाऊंगी। मेरे बच्चे को बहुत पसंद होता है, इसे फ्राई करती हूँ भिंडी में, भिंडी परवल का भरवा मैं बनाऊंगी। और इस ये दोनों में जो मसाला लगेगा वो ये है, आप देख सकते हैं। और ये सब का सारा का पेस्ट बना लूँगी। और फिर इधर आ जाता है मेरा बर्तन का, इस पे मैं बर्तन रखती हूँ। आता है मेरा मिट्टी का चूल्हा, अभी उसमें मैं दूध गरम रखी हूँ गरम करने के लिए। आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगी। जो मेरा निजी लाइफ है मैं वही शूट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं फिर फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा किचन। भरवा भिंडी, भरवा परवल कैसा बनाता है मैं आज दिखाऊंगी आप सभी को। आप सभी को भी आती होगी। पहले
चलती हूँ पेस्ट बना के लाती हूँ, फिर आके बताती हूँ। किस तरह से भिंडी कट करते हैं मरवा भिंडी बनाने के लिए। परवल को भी मैं उसी तरह से और मैं अपने लिए हरी मिर्च भी फ्राई करूंगी इस तरह से। दाल मेरा पक चुका था तो इसलिए मैं दाल में भी तड़का लगा ले रही हूँ, पहले दाल में तड़का लगा लूँगी। फ़ौरन मेरा तैयार हो गया है, अब इसको मैं दाल में डाल दूंगी। जो मसाला को मैंने पेस्ट बना ली हूँ तो मैं इसको तेल में भी फ्राई कर लूंगी मसाले को। तो मैंने पेस्ट बना के लेके आ गई, और मैं इसमें ये भी डालूंगी, गरम मसाला है जो होता है कि नहीं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, थोड़ा
तब तक ये प्याज पक नहीं जाएगा। प्याज हो गया है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं सॉस। हल्दी नहीं डाली थी, हल्दी जितना नमक लगेगा उतना मैं डालूंगी। जब तक पूरी तरह से भून नहीं जाएगा तब तक मैं इसको चलाते रहूंगी क्योंकि नीचे से जल जाएगी। इसको देख सकते हैं आप सभी, ये पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मैं इसको अब निकाल लूंगी। इसको मैं सब डाल दूँ, अभी मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए और लो कर दूँगी मैं कम, क्योंकि नहीं तो जल जाते हैं। तो मैं इसको ढक रही हूँ।
5 मिनट के लिए ढक दूंगी और 5 मिनट के बाद इसको पलट दूंगी। कितनी अच्छी तरह से पक चुके हैं एक बाजू। सबको पलट दी हूँ और दूसरे बाजू भी इसी तरह से मैं पका लूँगी। गैस को ऑफ कर दी, इसी तरह से पक गया है।